नरेंद्र मोदी भले दीपावली के दिन जाते हैं सेना के, जो भारत मुखी की मार की रक्षा के लिए लगातार निरंतर लगा हुआ सैनिकों के बीच में बताते हैं कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपके साथ खड़े हैं। ये सेना का आत्मबल बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ तो केदारनाथ धाम में बाबा के त्रास्ती एक बार जो त्रास्ती और सनातन संस्कृति के रक्षक सदाचार जी की प्रतिमा का अनावरण एक मैसेज दिए, त्रिकुंड लगा करके एक मैसेज दिए कि सनातन संस्कृति की पूरे विश्व को ज्ञान दे सके। ये छाप सनातन संस्कृति का छाप बताए कि जहाँ सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवान्। इसका मतलब होता है कि सब की समृद्धि हो, सभी जीव सुखी और शांति से। ये भाव सनातन संस्कृति के अंदर आज से पहले आपने देखा कि कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से सनातन संस्कृति की चर्चा कर एक बार देखे सोमनाथ का जब मंदिर का निर्माण हुआ, राष्ट्रपति जब जाने लगे तो उसको ढूंढने का काम जवाहरलाल नेहरू और ये कांग्रेस जो आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और घोसला देख रहे हैं हिंदुओं को बरमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी ताकत है, आप अपनी शक्ति पहचानिए कि आप यूनाइट होकर जब लोकतंत्र पर विश्वास कर करके एक साथ इकट्ठे होकर के वोट देते हैं जात पात भूल करके, तब यही होता है, तब ऐसी ही सरकार चुनते हैं। अभी रामलला का इतना भव्य मंदिर बन रहा है, अभी तो मंदिर लोग जा रहे हैं, उस दिन आएगा जिस दिन मथुरा और काशी में यही लोग लाइन लगा के कार सेवा भी करेंगे। बात करके ध्यान रखिए, अपनी ताकत को पहचानिए।